हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल टेस्ट योर माइंड में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 5 मज़ेदार और दिलचस्प पहेलियां पूछने वाले हैं, तो क्या आप तैयार हैं? चलें वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहां पहली पहेली में अब आप हमें बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जिसे अगर हम निगल जाएं तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर वो निगल जाए तो मौत हो सकती है। तो ध्यान से सोचें और बताएं कि ऐसी कौन सी चीज है। और इसका जवाब है पानी, वाटर। पानी जो कि हम पीते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर हम पानी में डूब जाएं तो हमारी मौत हो जाती है। चलिए अब दूसरी पहेली देखते हैं। दोस्तों, ये रिडल थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इजी लगेगी। जैसे जनवरी 17 है, फरवरी 28 है, मार्च 35 है, तो अप्रैल में क्या आएगा? तो ध्यान से सोचिए और बताएं कि अप्रैल के नीचे कौन सा नंबर आएगा। और हमारा आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर हमें कॉमेंट करें। चलें अब इसका जवाब देख लेते हैं। जनवरी में इंग्लिश के 7 लेटर आते हैं, तो हुआ 7, और जनवरी फर्स्ट मंथ होता है तो बन गया 1-7। और इसी तरह फरवरी में 8 लेटर होते हैं तो हो जाएगा 8, और फरवरी सेकंड मंथ है तो बन जाएगा 2-8। और इसी तरह मार्च में 5 लेटर हैं और मार्च थर्ड मंथ है तो हो जाएगा 3-5। तो इसी तरह अप्रैल फोर्थ मंथ है तो अप्रैल में क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 4-5। अगर आपको हमारी ये पहेली अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दें, क्योंकि दोस्तों आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। चलिए अब तीसरी पहेली देखते हैं। दोस्तों, तीसरी पहेली में अब आप हमें बताएं कि वो क्या चीज है जो आदमियों के पास तो छोटी होती है और औरतों के पास बड़ी होती है। तो ध्यान से सोचें और बताएं कि औरतों के पास ऐसी क्या चीज है जो मर्दों से बड़ी होती है। चलिए आप इस पहेली का जवाब देख लेते हैं। और इस पहेली का सही जवाब है पर्स, जो कि औरतों के पास बड़ा और मर्दों के पास छोटा होता है। चलिए अब चौथी और मैथ रिडल देख लेते हैं। दोस्तों, इस पहेली में इन चारों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखें और बताएं कि फर्स्ट ट्रायंगल में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। और अगर आपको इस पहेली के जवाब के लिए ज्यादा टाइम दरकार है तो आप वीडियो को रोक भी सकते हैं, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चले अब इसका जवाब देख लेते हैं। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ सेकंड ट्रायंगल में सेंटर में है 8, तो हमने ये देखना है कि 8 आया कैसे। अगर हम ऊपर वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें नीचे वाला नंबर ऐड कर देंगे तो सेंटर वाला नंबर आ जाएगा। जैसे 4 × 1 और 4 + 4 = 8 हो जाएगा। इसी तरह 5 × 2 और इसमें 2 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। और इसी तरह 6 × 2 और इसमें 2 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। और इसी तरह फर्स्ट ट्रायंगल में 4 × 2 8 + 3 = 11, क्वेश्चन मार्क की जगह 11 आएगा। चलिए आप पांचवी और लास्ट पहेली देख लेते हैं। दोस्तों, पांचवी पहेली में इन चारों इमेजेस को ध्यान से देखें। यहाँ पहले नंबर पे है स्केल्टन, दूसरे पे है ड्रैकुला, तीसरी पे है मम्मी और चौथे पे है जोम्बी। क्या आप इन चारों को मिरर में देख के बता सकते हैं कि इन चारों में कौन जिंदा है? ध्यान से सोचें और बताएं कि इनमें से कौन जिंदा है। चलें अब इसका जवाब देख लेते हैं। दोस्तों, इसमें ड्रैकुला जिंदा है। ड्रैकुला का इमेज मिरर में नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है, मतलब ये ड्रैकुला नहीं है, ये कोई इंसान है।